ये बच्चे पता नहीं निकले हैं कि नहीं निकले। ओए बच्चा आ गया, बच्चा आ गया अलवी। आ गया यार माशाल्लाह दोस्तों। ये अंडा जा रहा है इसके नीचे है। ये मटेरियल यार होल्ड आए कि बहुत हैं। होल्ड आते हैं ना? हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ यार। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल चाल है यार। मुझे लगता है आप लोग भूल गए यार, मुझे एक दिन में नहीं आया तो यार आप लोग भूल गए। सबसे पहले तो यार आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक यार। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को लामी सब्सक्राइब कीजिएगा यार। सारी बातें बाद में, कल का बताता हूँ क्यों नहीं ब्लॉग आया। क्योंकि यार कल जो था ना दोस्तों, मैं था स्कूल और कल तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी स्कूल से आया तो काफी सर में दर्द था और जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ सके उसके लिए यार माजरत। घर का टाइम है, अभी जुम्मा पर के आए हैं, सीधा छत के ऊपर आ गए क्योंकि वीडियो बनाना लाजमी है। अच्छा यार कल मैंने वीडियो तो आई नहीं थी भाई, तो भाई कल को फिर मैंने क्या किया था कि एक शोर वीडियो आप तक पहुँचाई थी। तो उस वीडियो के नीचे यार बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, भाई तोते बाहर क्या कर रहे हैं। तो यार कल बहुत कुछ हुआ यार, आपको नहीं मैंने दिखाया, अली भाई ने वो वीडियो बनाई थी, अली भाई ने अपलोड की थी भाई। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे जो लवर्ड है ना, उनके वहाँ पे से ना, मैंने आपको बताया था ना जब हम इनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे कि भाई इनकी ना एक तार टूटी हुई है, ये बाहर आ सकते हैं। और ये देखे यार, ये ना तार निकली हुई, इधर से तुम्हारे पेरेंट्स निकल सकते हैं, जल्दी जल्दी ना इनको वहाँ शिफ्ट करते हैं, ये जहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है। तो ये आ गया था यहाँ पे से बाहर, जिसकी वजह से इन्होंने काफी एहतजाज कर दिया, तो बाहर आके सारे परिंदों को डिस्टर्ब कर दिया था। और फिर उसी टाइम जल्दी जल्दी जो था ना, अली भाई ने इनको बंद कर दिया वापस केज में, और जो सुराग था वो भी बंद कर दिया। सबसे पहले यार मैं ना सुबह के टाइम आया था छत के ऊपर देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आया था यार। मुझे ना दोस्तों अपने परिंदे नजर नहीं आए, मेरी फिंचेस मुझे व्हाइट वाली नजर ही नहीं आई दोनों की दोनों, और अब आया तो अभी भी नहीं नजर आए। तो अली भाई ने मुझे बताया यार, मुझे लगता है अली भाई को भी लगता है कि यार फिंचेस है ना, व्हाइट वाली फिंचेस है ना, अंडे दे दिए और वो मटकी के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो अभी सबसे पहला काम यही करते हैं, अंदर जाते हैं। और मौसम देखे यार, क्या मौसम, तो ऐसा है गार्डन गार्डन हो गया दिल यार। ये देखे यार माशाल्लाह दोस्तों, ओए होए क्या बात है यार। मौसम तो है लेकिन धूप भी निकली हुई है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं जो पहले होती थी ना, वो हवा भी चल रही है साथ साथ धूप भी है। तो यार मौसम दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त हुआ यार, ऐसे लग रहा है दोस्तों, लग रहा है ना आपको कोई पहाड़ है इतने बड़े बड़े, ये वाले ऊपर वाले नहीं तो ऊपर है, ये ऐसे लग रहा है जैसे ना पहाड़ है व्हाइट कलर के, वो वाले भी सामने बैठा आँख मार रहे हैं। तो यार मौसम तो बड़ा जबरदस्त हुआ है। खैर जल्दी से एवरी के अंदर जाते हैं, आप लोगों के लिए एक और चीज बताता हूँ, अली भाई को भी नहीं पता। पता है आपको क्या चीज, खुमरों ने भाई चार अंडे दे दिए हैं इतनी जल्दी। हाँ जी यार कल तो देखा था, तो एक बता रहे थे चार अंडे भाई, चार चार अंडे दिए हैं उन्होंने यार। कब लाना यार बताओ फिर, नर कब लाना यार। अच्छा इस तरह अगर कोई पेयर कर रहा होता ना तो फिर मजा भी आता, फिंचेस करे ना ऐसे यार मजा आ जाए, फिंचेस नहीं करती यार। अली बताए यार कब लाए यार इनके मेल, इंशाल्लाह यार। हाँ थोड़े दिन रह गए बस, समझ रहे हो ना। तो यार, चले यार, यार उसकी आंख में क्या हुआ अभी, चले मैं आपको दोस्तों अंदर जाकर। मुझे लगता है बाजी ने कुछ किया। वो यार अली भी मुझे बता रहे हैं, मैं तो स्कूल था, अली भी शिकर आया था सुबह, मैं दोस्तों ऊपर आया, मुर्गे जोर जोर से बोल रहे हैं, ऊपर आके देखा तो ये इसके ऊपर ना यहाँ पे शिकरा बैठा हुआ था, यहाँ पे इन पे पता नहीं हमला करा था, क्या करा था, सारे बर्ड ऐसे सहम गए थे, मतलब के नीचे जब एवरी में था ना तब भी शिकरा आता था, लेकिन वैसे कुछ कर नहीं सकता वो क्योंकि जाली पतली है ना, जाली पतली है लेकिन जाली पक्की मजबूत है हमारी, और बजीज कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, और हमारे बजीज यार चिपकते भी नहीं, स्टिक पे बैठे रहते हैं। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, आपको अंडे दिखाता हूँ और वो फिंचेस दिखाता हूँ। तो चलते हैं भाई अंदर और जाके देखते हैं, हमारा फिंच का मेल तो बाहर आ गया, मुझे नजर आ ओए बटरफ्लाई कितनी प्यारी है। खैर ये देखे दोस्तों वाइट ज़ेब्रा फिंच हमारी किधर गई, वो बैठ गई ऊपर जाके, ये बैठी हुई, ये नीचे आ गई, किधर गई वो बैठी हुई है, नजर भी नहीं आती यार एकदम, ये भाग जाती है, ये नीचे आ गया। तो चले अंदर जाके देखते हैं, आपको डब के अंडे भी दिखाता हूँ और अपने फिंचेस का देखते हैं, अल्लाह करके यार अंडे दिए यार भी मजा आ जाएगा यार। ओए ओए एक साल एक डेढ़ साल बाद सही हो गया फिंच के अंडे देखे, जब हमने चैनल शुरू किया था ना अभी, जब हमने चैनल शुरू किया था तब से हमने फिंचेस रखी हुई है, और अभी तक सिर्फ दो दफा अंडे दिए थे और दोनों दफा अंडे अनफर्टाइल निकले थे, उसके बाद इधर ओए वो बैठी हुई दोस्तों यार, ये ना अल्लाह करके इनके अंडे मिल जाए दोस्तों, कबूतर के नीचे रखे हैं, देखें वो हमारे घर के लोग कह रहे हैं यार वो डब के नीचे जो है ना, हाँ डायमंड डब के अंडे जो है ना डब के नीचे रख दो यार, रख तो मैं दो दोस्तों किसके डब के,
डायमंड डव के खुमरों के नीचे, ये तो दो लोग हैं डायमंड डव के खुमरों के नीचे आप लोग कह रहे हैं भाई अंडे रख दें बच्चे निकल आएंगे, और फिर कबूतरों के नीचे भी दो अंडे रख दें, यार रख तो मैं दूं दोस्तों बच्चे भी निकल आएंगे। मसला सिर्फ ये है कि उसका डायमंड डव का जो बच्चा होता है ना वो इतना छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, और उसकी चोंच जैसे सुई की तरह होती है। खुमरों के और कबूतरों के बच्चे होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, इसकी वजह से उनकी चोंच भी बड़ी होती है, खिलाने में भी उनको आसानी होती है, इसलिए वो खिला नहीं पाएगी वरना मैं रख देता। अल्लाह करके यार सारे बच्चे निकले और सारे डव जो है ना बच्चे पाल भी तो इतनी सारी हो सकता है पाल भी। हाँ दोस्तों चार से पांच डव्स बैठी रहती हैं और अब इस टाइम मुझे लगता है चार डव्स बैठी हुई है उसके अंदर। चलें अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर जाकर। चलें भाई चलते हैं अंदर, दरवाजा खुल जाओ भाई। और यार वैसे अभी दरवाजा बड़ा करता आके ना हमने अच्छा काम कर दिया, और ये अलबे ने ना ये लगा दी थी ये ताकि दरवाजा हम यहाँ से बंद कर सकें, लेकिन अब अली भाई हैं तो कर सकते हैं भाई। ओए बटेरा मर गया, मरा पानी है उसका। ओए मैं डर गया यार, ओए ओए यार ठीक है यार मैं डर गया, मैंने कहा यार मेरा बटेरा मर गया डरा दिया यार इन्होंने तो। यार ये दोस्तों पता नहीं मुझे नहीं लगता कब अंडे देंगे, आप लोग कह रहे थे भाई अभी बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे लग रहे हैं, हो सकता है अभी पाँच दस दिन पाँच हाँ एक महीने के अंदर तो ये बड़े होकर अंडे देना, हो सकता है पाँच दस दिन लग जाए अंडे देने में। हाँ भाई बड़े हैं। तो यार ये मैं आपको इसके अंडे दिखाता हूँ, और भाई ये है अलबी अंडे, ये अंडे रख देते हैं अपने भाइयों से पूछते हैं वो जो कहेंगे वही करेंगे। तो ये अंडे भाई चार हैं, रखने का फायदा नहीं है अंडे इनफर्टाइल ना सारे, इनको वापस रख देता हूँ। ये इसके मूड पे बीट लगेगा मुझे लगता है। क्या कबूतरों को भी अंडे बच्चे निकलने वाले हैं उनके, एक एक अंडा उठा के उनकी एक अंडा बस बच्चा देखते हैं कि पालती है। चले पहले फिंचेस को देख लें तो उसके बाद देखते हैं करना कि नहीं करना, ठीक है। तो चले भाई ये भी देखते हैं, अलीफी ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि कबूतर के अंडे जो है ना अपने तो बच्चे निकल दिए रहे हमने कहा चलो इनके, हाँ जब तक इनके मेल नहीं ना आते एक अंडा रख देंगे बस यार, क्योंकि उनका बच्चा बड़ा होता है ना तो पालने में मुश्किल पेश आएगी। तो इनके और ये भी ना हो कि हम दोनों ही अंडे रख दें वो पाल लेना, हाँ एक ही अंडा रख देंगे बस। पानी भी मैंने उधर रख दिया था क्योंकि मैं यहाँ से अंदर जाता था ना तो मुझे मसला होता था। भाई ये आगे अंदर दरवाजा पीछे से बंद कर लेते हैं, मैं यार अपने परिंदों को ना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं बाहर को निकल जाते। ये लॉक हो गया और हमारी फिंच की फीमेल जो है वो भी बाहर आ चुकी है, तो फ्लैश लाइट को कर लेते भाई ऑन। सबसे पहले तो इधर देखते हैं, यहाँ पे तो नेस्टिंग बनी हुई है, अभी नेस्टिंग है यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों कि है नहीं अभी नहीं है मुझे लगता है कुछ भी, ये देखें लेकिन फीमेल तो ऐसे बैठी हुई है जैसे अंडे देने वाली है, ये देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं अभी तो फिलहाल, मुझे लगता है बहुत जल्द देगी अंडे ये इंशाल्लाह। ये देखें अंडे शंडे तो नहीं पड़े हुए इसके अंदर, और यहाँ पे हमारे फिंचेस ने भी घोंसले बनाए हुए, ये देखें भाई देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें तीन तीन डब्स बैठी हुई है, इनके बच्चे पता नहीं निकले हैं कि नहीं निकले। ओए बच्चा आ गया अलवी, आ गया यार माशाल्लाह दोस्तों बच्चा आया हुआ यार, ये ना सुबह लग रहा था ये ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैंने कहा यार इन हॉबी के पता नहीं चला। हाँ इधर है कुछ, यहाँ भी नहीं है। तो यार मुझे यकीन नहीं हो रहा दोस्तों इतनी जल्दी बच्चा आ गया हुआ यार माशाल्लाह, ये देखे यार ये रहा दोस्तों बच्चा हमारा। ओए मरा हुआ यार शिट, बच्चा मरा हुआ है दोस्तों, ये देखो दब गया, मुझे भी लगता है दब के मर रही यार, ये तो बैड सीन हो गया, बच्चा निकला हुआ है लेकिन मरा हुआ है, और भी शायद निकले हुए हों, इनको एक मिनट यहाँ पे रखता हूँ, हो सकता है और भी बच्चे निकले हुए हों, एक दिन नहीं दिए थे इन्होंने शायद अंडे, नहीं और तो कोई बच्चा नहीं निकला हुआ दोस्तों। छिलके पड़े हो तो वो निकाल दो, छिलका भी नहीं है, पांच अंडे पड़े हैं अब इसके अंदर दोस्तों। और हमारे तोतों के लिए तोते गिर गए सारे, वो एक में ही घुस गए, एक में ही चार लड़के आगे बैठे ना डर जाते हैं फिर एक में घुस जाते हैं सारे। यार ये क्या, मैंने कहा शायद दो इसमें होंगे दो इसमें होंगे, अच्छा ये लड़ते भी नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है। तभी इनका नाम है लव बर्ड्स, मतलब सुकून से रहने वाले। यार ये तो बैड सीन लग रहा है यार, देख रहे हैं हम फिंचेस को देखने आए थे, मुझे लग रहा है यार ये फिंच ना अंडे देगी बहुत जल्द देगी इंशाल्लाह, तो इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, गर्मी भी काफी ज्यादा है। यार बड़ा दुख हो रहा है यार, छह अंडे दिए थे पांच अंडे ठीक थे मैंने आपको बताया था, और एक बच्चा मुझे लगता है सुबह का पता नहीं कल का निकला हुआ है और ये बेचारा मरा हुआ है। यार ऐसे तो दोस्तों नुकसान होता रहेगा यार, मुझे लगता है काम करना ये पड़ेगा, जो हमारा नीचे केज खाली पड़ा हुआ ना जो हम न्यू लेके आए थे कुछ महीनों पहले, तो वो हाँ जिसमें लवबर्ड्स रखे हुए थे हमने, मुझे लगता है उसमें हमें एक पेयर जो है ना डब का रखना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे नुकसान हो ही जा रहे हैं इनके, तो ब्रीड हमारे पास बड़ी नहीं थी
ना इनकी तादाद बढ़ रही। अब तक हमारे पास 30-35 होने की डब्स। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा डब्स का होता है क्योंकि यार एक ही टोकरी में अंडे दे देते हैं। आप लोग बताएं क्या करें, आप लोग कहेंगे भाई सेपरेट कर दें, सेपरेट सेपरेट, इतने यार केज नहीं है, सिर्फ एक ही केज खाली पड़ा हुआ है, उसमें एक पेयर रख सकते हैं, एक पेयर उसमें आ सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो कल इंशाल्लाह हम एक पेयर यहाँ से उठाएंगे और उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो अब फिर करना है अलभी, फिर वो कबूतर का अंडा रखना वहाँ पे। चले यार देख लेते हैं अलभी, इसका ताला क्या करते हैं, एक उसका पड़ा लेने देते हैं, बाकी तीन खा लेना, एक कबूतर का रख देते हैं ताकि उसे ये हो कि भाई हाँ चलो ठीक हो गया। बस यार ये धूप ना आए, ऐसे मौसम अच्छा रहता रहे तो हम वीडियो भी बड़ी जबरदस्त बनाती रहेंगे। और यार हमारे कबूतर दोस्तों बहुत थोड़े रह गए यार, इतने ज्यादा हुआ करते थे, 19-20 हुआ करते थे, अब कितने पता नहीं, कितने 15 है शायद। तो करना कोई दिन तो पूरे देख लेते यार, हो सकता है कोई अंडा शंडा क्रैक हुआ हुआ। ये हैं दोस्तों अंडे, दो यहाँ पे हैं और पहले इस फीमेल ने दिए थे ना, इस वाली ने, इसने दिए थे, तो इसका का बच्चा नहीं निकला हुआ अभी। यार अब तो कबूतरों को देखते ही नहीं है यार, इन्होंने अंडे दिए हुए, किसने नहीं दिए हुए, इसका तो अभी कोई क्रैक श्रैक नहीं है और इस अंडे पे भी क्रैक नहीं है, मतलब कि अभी है टाइम मुझे लगता है। इधर से एक अंडा उठाते हैं और उधर से उसके तीन अंडे उठा लेते हैं। इसके नीचे तो हम वैसे भी रखने ही नहीं है फिर, है ना, वो अंडे इसके नीचे नहीं ना रखने। चले फिर ये अंडा उठा लिया और माशाल्लाह चारों अंडे फटाए हैं, दो ये वाले और एक ये वाला। और चले अब बाहर चलते हैं, तो चले भाई अंदर चलते हैं और इस अंडे को जो है ना, कल भी दिलाओ यार, ताला खोलो, अंडे को यार वहां रख देते हैं, अल्लाह करके बच्चा निकला यार, हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि क्या डब पाल पाती है कि नहीं पाल पाती। आप लोग बताना यार, मेरे ख्याल में आजकल में निकलने वाला बच्चा है। हाँ ये तकरीबन 2 दिन में हो सकता है निकल है। यार ये बटेरे बड़े डराते हैं मुझे, कि ऐसे लगता है जैसे मर गए हैं ये। ये पकड़ो अरबी, एक मिनट उनके चार अंडे उठा लूँ मैं पहले, चारों उठा लेंगे, तीन नहीं तीन, तीन अंडे उठा लेते हैं भाई। अंडे तो खराब है सारे, ये देखो डक को दे दें, डक को दे दो। हाँ वैसे भी अगर लेट भी हो गए कौन सा बच्चे बने, तो भाई ये अंडा आ गया इसके अंदर। अच्छा इसके आँख पे भी, ये अंडा जा रहा है इसके नीचे है। अच्छी तरीके से भाई अब तुमने इनको इनक्यूबेट करना है, अगर बच्चे निकलेंगे ना तो उनको भी अच्छी तरीके से पालना है। ये बीट लगी हुई है मुझे लगता है शायद, यार ये बीट लगी हुई है शायद, बाकी नजर नहीं आ रहा सही तरीके से। आप लोगों ने बताना क्या हुआ भाई, कोई बटेरे शटेरे भी हमारे ठीक है, बटेरे यार होल्ड आए के बहुत है, अच्छे लग रहे हैं। हाँ यार मुझे व्हाइट लाएंगे, फिर व्हाइट ही ले आएंगे मैं, अगर बस एक आता हूँ देखेंगे व्हाइट प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर फिर। या तो डब के मेल लेने जाएंगे ना जब, तभी दोस्तों वे ले आएंगे, दो और ले आएंगे, पांच बहुत हैं ठीक है, मेल ले आएंगे, तीन फीमेल लोट छह पूरे कर लेंगे, चलो छह कर लेंगे भाई, क्योंकि यार बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, इतने प्यारे तो नीचे एवरी में भी नहीं लगते थे जितने इधर लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है, व्हाइट बटेर। और ये अंडे दो मुझे, एक दफे से कैंडली कर लो। हाँ चले यार, कुछ भाई जो है ना थोड़ा सा वो कहेंगे भाई आप अंडे क्यों खिला रहे हैं, अंडे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता यार। ये अंडे दोस्तों सारे अनफर्टाइल है क्योंकि दोनों फीमेल्स हैं, जोड़ा नहीं है पूरा, दोनों फीमेल्स के अंडे उठाए हैं, पिछली दफा भी इनके अंडे खराब हो गए थे। किधर है डक्स हमारी, ये आगे शहजाद, इसको दे दो पहले, ये पहले आ जाती है, इसको भी दो अलवी, ये खाएगा बड़े शौक से, ये देखेगा दोस्तों पूरा अंडा सुटक जाएगा ऐसे, वो खाएगा मुझे लगता है, वो डर रही है ये मुर्गियों से यार, बड़ी डरती है। और खाओ खाओ, थोड़ा पीछे हो जाते भाई, और जी ये खा गया, ओए वो खा गया यार, खा गया दोस्तों यार, एक रह गया, एक रह गया, ये भी इसी को दो, दिखाओ दे दो। अच्छा यार काफी भाई मुझे कह रहे थे भाई इनका नाम आप लैला और मजनू रखें, लैला मजनू ही है भाई, लैला वो है ना, वो लैला, लैला और मजनू का भाई पता ही नहीं लैला कौन सी, लैला ये है भाई, नहीं नहीं मजनू ये है, मैं एक सजेस्ट करूं क्या, वो मजनू भाई वो उदय भाई मजनू भाई यार मजनू भाई रख देते हैं, नहीं अगर दो में लगते ना तो उदय भाई और मजनू भाई सही था, उदय भाई उदय भाई उदय भाई, हाँ वो मजनू भाई और लैला बाजी, लैला बीबी, लैला लैला बाजी, लैला बाजी बाजी यार हमारी अंडे नहीं दे रही यार, हमारे रैबिट्स भी ने भी अभी तक बच्चे नहीं दिए यार, इतना इंतजार हो रहा है, काफी भाई कह रहे भाई आप इन्हें कनक खिलाएं, ये खिलाएं वो खिलाएं, सब कुछ दे दिया यार, लेकिन ये अंडे नहीं देने में आ रहे, ओ बच्चे नहीं देने में आ रहे ये पता नहीं क्या हो रहा है। खैर यार ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर पसंद आई लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल साखिर चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बाकी फिर इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहे आप लोग, यार हमारी फैमिली है यूट्यूबर्स की फैमिली, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगी मुझे पूरा यकीन है, और 14 अगस्त तो चलेगी, झंडे अभी तक लगे हैं भाई, ये तो लगे रहेंगे, मुझे नहीं लगता अभी कोई उतारेगा, हाँ अगर आंधी आ गई ना ये खुद ब खुद उतर के उठ जाएंगे। तो बस फिर मजनू भाई लैला बाजी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।